हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं महेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीवर्ड स्कूल ऑनलाइन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को बताया था अजमेर और सांभर के चौहानों के बारे में, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था उनकी उत्पत्ति कहां कहां से मानी जाती है, इनकी उत्पत्ति के स्रोत क्या थे, ठीक है। और अजयराज के बारे में और अणुराज के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने छोड़ दिया था विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ, दोस्तों जो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल था वो 1158 से लेकर के 1163 तक चला था। कब तक चला था? 1158 से लेकर के 1163 ईस्वी तक का जो शासनकाल माना जाता है वो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्णिम काल या क्लासिक युग भी इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? कि चौहानों का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को माना जाता है। यह क्लासिक भी आप लोग इसको बोल सकते हो, क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो दिल्ली का शासक था तोमर, उस तोमर को हराकर दिल्ली तक अपने साम्राज्य क्या कर ली थी, स्थापना कर ली थी और दिल्ली को क्या कर दिया था, अपनी राजधानी बना लिया था। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कि दिल्ली के तोमर शासक को हराकर दिल्ली तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और क्या कर लिया था? दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। और क्या कर लिया था? राजधानी बना लिया था किसको? दिल्ली को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो टोंक के अंदर आप लोग सुने हो बिसलपुर बांध, ठीक है, उस बिसलपुर बांध का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया था। किसका? बिसलपुर सागर या बांध बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। बिसलपुर सागर या बांध का निर्माण इन्होंने करवाया था। क्लियर है बात, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उस विद्वान होने के कारण इनके द्वारा भी कुछ रचनाएं की गई थी, जैसे हरि के लिए रचना, वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, अभी बताऊंगा मैं। और इन्होंने क्या किया था, अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। किसे कराया था? संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। कहां करवाया था? तो ये करवाया था इन्होंने अजमेर के अंदर। और अजमेर में जब निर्माण करवाया था तो अजमेर में इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसे कराया था? सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। इस मंदिर को, ये जो पाठशाला बनाई गई थी संस्कृत पाठशाला बच्चों के लिए विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, इसे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था, इस संस्कृत पाठशाला को क्या कर दिया था, तुड़वा दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब इस ऐबक ने यहां पे क्या कर दिया, इस संस्कृत पाठशाला के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद में इसे तुड़वा दिया, क्या कर दिया इसको, तुड़वा दिया। और तुड़वा कर क्या बना दिया, यहां पे ढाई दिन का झोपड़ा बना दिया। क्या कर दिया? ढाई दिन का झोपड़ा बना दिया था, ठीक है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको तोड़कर? संस्कृत पाठशाला को तोड़कर। और संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। यह ढाई दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका जो विस्तृत रूप दिया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि जो ढाई दिन का झोपड़ा था इसका विस्तृत रूप किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। एक जो ढाई दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, मतलब पहली मस्जिद थी। क्या थी ये? पहली मस्जिद थी।
तो राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है? वो ढाई दिन का झोपड़ा है। ये 16 खंभों के ऊपर, 16 स्तंभों के ऊपर खड़ी हुई है, इस कारण से इसे 16 स्तंभों के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? 16 खंभों का महल। अगर क्वेश्चन आ गया कि 16 खंभों के महल से किससे जाना जाता है, तो आप लोग बता सकते हो ढाई दिन के झोपड़े को जाना जाता है। ये ढाई दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद थी, और इसी ढाई दिन के झोपड़े के अंदर ढाई दिन का एक मेला लगता है जो पंजाब शाहसंत है। पंजाब शाहसंत की याद में उर्स या मेला लगता है, जो शोक मेला होता है उसके बारे में बात की जा रही है। उर्स या मेला लगता है किसकी याद में लगता है? पंजाब शाह संत की याद में मेला लगता है। कहां लगता है? ढाई दिन के झोपड़े में लगता है। कितने दिनों के लिए लगता है इसका भी ध्यान रखना, तो भी ढाई दिन के लिए ही लगता है। तो समझ में आई बात आप लोगों को इसके बारे में? क्लियर है? तो देखो विघ्न चतुर्थ की अपन और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विघ्न चतुर्थ ने क्या करा? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करा दिया। इन्होंने संस्कृत के जो सरस्वती मंदिर था इसका निर्माण भी इन्होंने करवा दिया था, और इनके द्वारा क्या गई थी, एक रचना की गई थी। क्या की थी? एक रचना की गई थी जिसका नाम था हरिकेली। क्या नाम था? हरिकेली नाटक। इन्होंने एक नाटक का निर्माण कराया था, उस नाटक का नाम था हरिकेली नाटक। क्या नाम था उसका? हरिकेली नाटक नाम था। और इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं, आधी पंक्तियां इस जो ये ढाई दिन का झोपड़ा है इसकी दीवारों पे लिखी गई है, और आधी पंक्तियां जो राजा राम मोहन राय था जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उनकी उपसमाधि है इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर के अंदर, उस समाधि के ऊपर आधी पंक्तियां लिखी हुई है। समझना ये बात आप लोगों को? देखो दो बातें हैं, इस हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं दो भागों में बटी हुई, एक आधा जो भाग है वो ढाई दिन के झोपड़े के ऊपर लिखा गया है, और जो आधा भाग है वो है राजा राम मोहन राय की समाधि पर। कहां पे बना हुआ है? राजा राम मोहन की समाधि के ऊपर बना हुआ है, और राजा राम मोहन की समाधि कहां पर है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में है। कहां पर है ये? ब्रिस्टल शहर में। और ये कहां पड़ता है? इंग्लैंड में। कहां पड़ता है ये? इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। क्लियर है बात आप लोगों? तो इंग्लैंड का अंदर कौन सा पड़ता है? ब्रिस्टल शहर पड़ता है, और ब्रिस्टल शहर के अंदर किसकी समाधि है? राजा राममोहन राय की समाधि है। और इन्हीं राजा राममोहन राय ने क्या की थी? ब्रह्म समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। और बहुत अच्छे इंसान थे ये, बहुत अच्छे महापुरुष थे ये, लोगों के भले के बारे में सोचे, देवता आदमी थे, बिल्कुल देवता, ठीक है। तो राजा राममोहन राय ने की समाधि कहां पर है? ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड के अंदर है। मैं इसके बारे में आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को हरिकेली की जो नाटक है इसकी रचना के बारे में आप लोग को पता लग जाए कि हरिकेली नाटक की जो रचना की थी वो किसने की थी? विघ्नराज चतुर्थ ने की थी। इसी विघ्नराज चतुर्थ को विसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाता है इसको? विसलदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर है बात आप लोग को? तो देखो राजा राममोहन राय को, अब क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा आप लोग को एक्स्ट्रा में बता देता हूं कि जो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों ध्यान रखना, अकबर ने। और अकबर भी कौन सा? अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ध्यान रखना 1828 ईस्वी के अंदर की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी के अंदर राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राममोहन राय के बारे में, ठीक है, जो इन्होंने स्थापना की थी इनके बारे में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी के अंदर की थी। और इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। जो अकबर द्वितीय था ये जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों के द्वारा मुगल गद्दी पर बिठाया गया पहला शासक था।
क्या था ये पहला शासक था जो अंग्रेजों के द्वारा मुगल गद्दी पर बिठाया गया शासक था। कौन था? अकबर। तो अकबर को जो पैसा सैलरी मिलती थी, पेंशन मिलती थी, वो भी किसके द्वारा मिलती थी? अंग्रेजों के द्वारा, जो इसको बहुत कम लगती थी। तो उस समय क्या हुआ कि ये एक आदमी को बुलाता जिसका नाम था राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय की क्या थी कि वार्तालाप अंग्रेजों से बहुत अच्छी थी। ये उनको समझाने में, उनकी भाषा को पहचानने में, उनसे तालमेल बिठाने में बहुत अच्छा सक्षम आदमी था राजा राममोहन राय। तो इन्होंने क्या किया, अकबर ने इनको बुलाकर और बोला कि आप मेरी अर्जी लेके जाओ इंग्लैंड में, और वहां पे जाकर जो वहां की सभा है, सॉरी वहां का जो संसद है, वहां की संसद में जाकर और आप उनको बोलो कि मेरी जो पेंशन है उसमें वृद्धि की जाए और उसको बढ़ाया जाए। तब यहां से राजा राममोहन राय जाते हैं इसकी अर्जी लेकर, और वहीं पर इनकी 1833 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है, देहांत हो जाता है। किसका? राजा राममोहन राय का। और वहां पे ब्रिस्टल शहर में इनकी क्या बना दी जाती है, समाधि बनाई जाती है। और इसी समाधि के ऊपर जो विराज चतुर्थ द्वारा लिखे गए नाटक था उसका नाम था हरी के लिए नाटक, ठीक है। इस हरी के लिए नाटक की आधी पंक्तियां लिखी हुई है। तो बात समझ में आई आप लोगों को कि आधी पंक्ति तो कहां पे लिखी हुई है, आधी पंक्ति लिखी हुई है डायरी के झोपड़े के दीवारों पर, और आधी पंक्तियां कहां पे लिखी गई है, राजा राममोहन राय की समाधि के ऊपर। तो क्लियर है बात आप लोगों को। तो देखो दोस्तों, इसके बारे में अपन और बात करते हैं। राजा राम जो विराज चतुर थे, इसके दरबार के अंदर दो विद्वान और थे, उनका नाम था, एक का नाम था नरपति नाल। क्या नाम था? नरपति नाल, ठीक है, नरपति नाल। और एक का नाम था सोमदेव, ठीक है। एक का क्या नाम था? सोमदेव। एक का नाम था नरपति नाल। इस सोमदेव ने जो रचना लिखी उसका नाम था ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ठीक है। और नरपति नाल ने जो लिखी वो लिखी थी विसलदेव रासो। कौन सी लिखी थी? विसलदेव रासो, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा कि जो दरबारी विद्वान थे हुए थे, ये जो दरबारी विद्वान थे, एक का नाम था नरपति नाल और एक का नाम था सोमदेव। इस नरपति नाल ने विसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी और सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की थी। ये है बात आप लोगों के विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, जिनके काल को चौहानों का स्वर्णिम काल माना जाता है। अगर क्वेश्चन आपके पास पलट के आ गया कि चौहानों का निर्माण काल किसे कहा जाता है, तो चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है दोस्तों अजयराज के काल को, जो 1105 से लेकर के 1133 तक के चला था। लेकिन स्वर्णिम काल या क्लासिक युग किसे कहा जाता है, किसके कालों का जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को कहा जाता है। इन्होंने ही क्या किया था, जो सरस्वती मंदिर है अजमेर के अंदर उसकी स्थापना की थी और संस्कृत विद पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दिया था, ढाई दिन का झोपड़ा बना दिया था। और ये ढाई दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद थी। 16 खंभे होने के कारण इस महल के अंदर इसे 16 खंभों के महल के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा जो रचना की गई थी हरी केली नाटक रचना की गई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। और इन्होंने क्या किया था, बिसलपुर सागर जो टोक के अंदर पड़ती है, बिसलपुर बांध, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो एक बार आप लोग उतार लो। अब बात करेंगे हम लोग पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, ठीक है। तो एक बार उतार लो आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने उतार लिया। अब देखो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करेंगे हम लोग, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ की जो बात है, इसके युग को स्वर्णिम काल माना जाता है। ध्यान रखना, सोमर था जो तोमर शासक था उसको हराकर दिल्ली तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, ओके। और ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान होने के कारण इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी, इसके कारण इनको उपाधि भी मिली हुई थी। उस उपाधि का नाम था इनका कटी बांधव की या कवि बांधव की इनको उपाधि दी गई थी। वो किसके द्वारा, अच्छा मैंने लिखा नहीं, तो देखो इनको जो उपाधि प्रदान थी, क्या थी इसको, इनको उपाधि प्रदान थी किस, कौन सी, कटी बांधव की, कटी बांधव की, या फिर आप बोल सकते हो कवि बांधव की भी उपाधि इनको प्राप्त थी। और ये जो उपाधि दी गई थी दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी, अगर क्वेश्चन आप लोगों के पास में आ जाए कि राज द्वितीय चतुर्थ को जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी दोस्तों जयानक भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, मैं यहां पर लिख देता हूं, जयानक भट्ट
के द्वारा, तो जारक भट्ट के द्वारा इनको कटिबाधक और कवि बाधक की उपाधि दी गई थी, जिसे कंठाभरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठाभरण, ठीक है, कंठाभरण भी कहा जाता है। क्लियर है बात आप लोग को? ठीक है, तो ये थी आप लोगों की बात विग्रह चतुर्थ की। अब बात करते हैं हम लोग अजमेर का सबसे प्रतापी शासक हुआ था, तो बहुत ही कम उम्र के अंदर काफी भाग संभाला और बहुत सारे युद्ध किए और उनकी प्रेम लीला भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, संयोगिता के साथ में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो प्रतापी शासक आता है वो है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, क्लियर कर देता हूं इसको। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल था बच्चों, ध्यान रखना आप लोग, कब तक था? 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक, और 92 ईस्वी में समाप्त हो गया था। तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था, उस द्वितीय युद्ध के अंदर उनकी हार होती है, तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान, अब देखो पृथ्वीराज चौहान को लेकर कुछ बातें हमारे को याद रखनी पड़ेगी। जैसे जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आप लोग के 1166 ईस्वी के अंदर। ठीक है, कहां पे हुआ था? तो जगह का नाम था आप लोगों के गुजरात के, गुजरात की राजधानी थी, ठीक है, गुजरात की राजधानी अहिल पाटन के अंदर इनका जन्म हुआ था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। ठीक है, इन सोमेश्वर की जो गुजरात का शासक था, ठीक है, जो गुजरात का शासक था, उस शासक की क्या हो जाती है? वो शासक भीमदेव, ठीक है, उस भीमदेव ने क्या कर दिया था? सोमदेव की हत्या कर दी थी। तो किसके द्वारा? सोमदेव था जिनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? भीमदेव के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कहां का शासक था आप लोग के? गुजरात का। ठीक है, इनकी माता का नाम, ठीक है, इनकी जो माता थी, माता का नाम था इनकी कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। और जो कर्पूरी देवी थी, इनकी जो इनकी क्या कहलाती है? संरक्षिका भी थी। क्या थी? संरक्षिका भी थी। कैसे? कि दोस्तों, जब इनके पिता की जब मृत्यु हुई थी 1177 ईस्वी के अंदर, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान मात्र कितने साल के थे? 11 साल के थे, और 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे और शासनभार को संभालने लगे थे। अब 11 साल की उम्र के अंदर आप और हम लोग क्या करते हैं? कंचिया खेलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया था? अजमेर का शासनभार संभाल लिया था। बहुत ही प्रतापी शासक थे, पराक्रमी थे, इनके गुणगान बहुत चलते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और बहुत ही विस्तृत जानकारी इनके बारे में कि पृथ्वीराज चौहान 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन इतना ऐसा एक्सपीरियंस या अनुभव ना होने के कारण उनको मार्गदर्शन करने वाली उनकी माता बनी थी, और वो इनकी क्या कहलाई थी? संरक्षिका कहलाई थी। क्लियर है बात आप लोगों को? इनका जो पुत्र था, पुत्र का नाम आप लोग जानते हो, गोविंद राज चौहान। क्या नाम था? गोविंद राज चौहान। और गोविंद राज चौहानों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि रणथंभौर के चौहानों की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गोविंद राज चौहान ने की थी। कब की थी? 1194 ईस्वी में की थी। और आप लोगों को रणथंभौर के चौहानों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग पहले के लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है, इनका जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री, ठीक है, उस समय इनका जो प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का नाम था केमास। क्या नाम था उसका? केमास नाम था। इस केमास को आप लोग कई जगह आप लोगों को कैलाश भी देखने के लिए मिल जाएगा, कई जगह आप लोगों को कदमवास भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्या नाम मिल जाएगा? कदमवास के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यही केमास जब इसका पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई नागार्जुन इस पर आक्रमण करता है, तो गुड़गांव युद्ध के अंदर उसे क्या करता है? पराजित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसको मतलब जो पृथ्वीराज चौहान है, इस पृथ्वीराज चौहान को कुछ उपाधियां प्राप्त है। कौन कौन सी उपाधियां? ठीक है, कौन कौन सी उपाधियां? इसको राय पिथोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको?
रायपिथोरा भी कहा जाता है, और क्या दल पंगुल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, दल पंगुल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। क्या मतलब होता है इसको, विश्व विजेता, विश्व विजेता। मतलब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रायपिथोरा के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, सॉरी यहां पर मैंने तृतीय लिखना भूल गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसी को रायपिथोरा के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को दल पंगुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। मतलब इनमें डर नाम का तो कोई बात ही नहीं थी, इनमें डर तो था ही नहीं, बस आक्रमण कर दो बिना सोचे समझे, मार डालो अगले को, ऐसे आदमी थे, पराक्रमी आदमी थे। ठीक है, इनके जो विद्वान थे इनके दरबार के अंदर क्या थे, विद्वान भी हुए। उन विद्वानों के अंदर सबसे पहला विद्वान आता है, वो आता है चंद्र बरदाई। और जो चंद्र बरदाई था, चंद्र बरदाई के लिए कुछ बातें कही जाती है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण की बात भी चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखी गई है, कि इन दोनों का जन्म भी एक साथ हुआ था, एक ही दिन हुआ था, और उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी, ऐसा भी कहा गया है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, और ये मतलब वो किसके दरबारी विद्वान थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। कौन कौन थे, चंद्र बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, ठीक है, जयानक, जयानक है आप लोगों का, ठीक है, वागीश्वर है आप लोगों का, वागीश्वर, ठीक है, जनार्दन है, जनार्दन है आप लोगों का, ठीक है, आशाधर है, आशाधर है, ठीक है, पृथ्वीभट्ट है, पृथ्वीभट्ट आ गया, ठीक है, विश्वरूप आ गया, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़। तो ये क्या थे, सारे के सारे क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। एक बार फिर से बोलो, क्या क्या था, चंद्र बरदाई, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति, पृथ्वीभट्ट, विश्वरूप और विद्यापति गौड़। क्लियर है, तो ये थे आप लोगों की पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इन्होंने क्या हुआ था, जब ये 1177 के अंदर गद्दी पर बैठे थे, पृथ्वीराज चौहान जब 1177 में गद्दी पर बैठे थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इनके पिता को मारने वाला कौन था, भीमदेव, ठीक है, जो गुजरात का शासक था। तो इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले आक्रमण किया किसके ऊपर, गुजरात के ऊपर, और गुजरात का जो शासक था भीमदेव, भीमदेव, ठीक है, भीमदेव को क्या की, क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी, भीमदेव की क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी थी। क्लियर है बात आप लोगों को, 1170 के अंदर इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया, और गुजरात पर आक्रमण करके भीमदेव को क्या कर दिया, उनको सलटा दिया। अब इसका मामला खत्म, टोपी खत्म भीमदेव का। फिर बात आती है आप लोगों के 1178 ईस्वी के अंदर। अब 1178 की ईस्वी के अंदर इस पृथ्वीराज चौहान का जो चचेरा भाई था, उस चचेरा भाई का नाम था नागार्जुन। क्या नाम था, नागार्जुन। इस नागार्जुन ने, चचेरा भाई यहां पर लिख देता हूं मैं, चचेरा भाई, ठीक है, ठीक है, इस चचेरे भाई ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो इन्होंने यहां पर, इन दोनों के बीच में गुड़गांव का युद्ध होता है। कौन सा होता है, गुड़गांव, जो गुड़गांव आप जानते हो ना, हरियाणा के पास अंदर ही आता है आप लोग गुड़गांव, ठीक है, तो गुड़गांव के अंदर एक युद्ध होता है, गुड़गांव का युद्ध। उस गुड़गांव के युद्ध के अंदर इसकी पृथ्वीराज चौहान की जो सहायता करता है उसका नाम आता है, इसका जो प्रधानमंत्री है केमास से कैलाश, ठीक है, ये इसकी सहायता करता है, और सहायता करके क्या करता है, इस नागार्जुन को, विद्रोह को क्या करता है, दबा देता है। मतलब इसका क्या करता है, विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन कर देता है। क्लियर है बात आप लोगों को, तो ये बात थी। फिर बात आती है 1182 ईस्वी के अंदर, 1182 ईस्वी के अंदर, इस 1182 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश, सॉरी सतलज प्रदेश से आने वाली जनजाति थी भंडानक जनजाति, उस भंडानक जनजाति ने भी विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को भी दबाने का श्रेय किसको जाता है, पृथ्वीराज चौहान को जाता है। किसने किया था, 1182 ईस्वी में भंडानक जाति, भंडानक जाति के विद्रोह का दमन। तो 1182 के अंदर भंडानक जाति थी, उसके विद्रोह का दमन किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। ये जो भंडानक जाति थी, ये कहां से आई थी, ये सतलज प्रदेश से आई थी। कहां से आई थी,
सतलज, सतलज प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश वैसे होता है ना, इसे सतलज प्रदेश से आई थी और इनका कहना था कि जो भरतपुर, अलवर और मथुरा के जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे स्थायी निवास चाहती थी। इस कारण से इस भंडारी जाति ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया और इसको क्या करते उखाड़ के फेंक दिया था। तो यह थी बात आप लोगों के पृथ्वीराज चौहान के बारे में। फिर पृथ्वीराज चौहान ने 1182 के अंदर एक और युद्ध करते हैं, वो होता महोबा का युद्ध। और क्वेश्चन एग्जाम में यह आता महोबा का युद्ध कब हुआ था, एक बार जानकारी ले लेते पृथ्वीराज चौहान के बारे में, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों जो शासनकाल माना जाता है 1170 से 1192 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 1166 ईस्वी के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था, गुजरात की राजधानी थी उसका अहिपाटन, वहां पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर नाम था, जिनकी हत्या गुजरात का शासक था भीमदेव, भीमदेव के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और माता का नाम था कर्पूरी देवी, जो कम उम्र में शासक बनने के कारण इनकी क्या बनती है, पथ प्रदर्शक, मतलब इनको राह दिखाने वाली संरक्षिका बनती है। और पुत्र था इनका गोविंदराज चौहान, जिसने रणथंभौर के चौहानों की क्या की थी, स्थापना की थी। इनका प्रधानमंत्री था, उसका नाम मिलता आप लोगों को केमास, इसे कदमदास के नाम से भी जानते हैं। इनको उपाधियां प्राप्त थी पृथ्वीराज चौहान को, और कौन कौन सी उपाधियां थी, राय पिथोरा और धन पंगुल के नाम से भी इनको जाना जाता था। जिसका जो मतलब होता है वो है विश्व विजेता, मतलब विश्व को जीतने वाला, विश्व विजेता राय पिथोरा और धन पंगुल का मतलब होता है। इन्होंने दिग्विजय नीति को अपना रखा था। पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर रखा था दोस्तों, इन्होंने यहां पर लिख देता हूं मैं, दिग्विजय नीति को अपनाया, नीति को अपनाया, ठीक है, दिग्विजय नीति को अपनाया। दिग्विजय नीति का मतलब क्या होता है कि जो अपने आसपास का जो क्षेत्र था वहां पे आक्रमण करो और उनके ऊपर अधिकार करके उनसे अपनी बात मनवाओ और उनके एरिया को अपने अंडर में ले लो। ये थी दिग्विजय नीति, मतलब आसपास के क्षेत्र को अपने अधिकार में करके वहां के शासनभार को चलाना। तो दिग्विजय नीति को किसने अपना रखा था, पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया आप लोगों से कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम, या पूछ ले जाए पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका का नाम बताइए, तो कौन थी, कर्पूरी देवी। अच्छा, इनकी पत्नी भी थी और पत्नी का नाम आता है, चलो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा संयोगिता के बारे में। संयोगिता थी इनकी पत्नी का नाम, हालांकि इन्होंने बहुत शादी की थी, 5-6 शादियां की थी इन्होंने, बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान ने 5-6 शादियां की थी, लेकिन जो सबसे फेमस थी वो थी संयोगिता। और उसके बारे में, उनकी जो प्रेम रस है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन ये आप लोगों के पास, मान लो दोस्तों अगर ये आ जाए कि राय पिथोरा या दल पंगुल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, पृथ्वीराज चौहान रहेगा, ठीक है। अगर डीपली क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया कि आरएस लेवल तक का, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं मैच करने के लिए, कि ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, उसके सामने 4 ऑप्शन दिए और पूछ ले जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो वहां पे अगर क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोगों के एग्जाम्पल में डाल दिया कि इनमें से बताइए कौन पृथ्वीराज चौहान के विद्वानों में से नहीं था, तो आप लोगों को देखो यहां 3 मन नहीं था क्वेश्चन पे देने, नहीं था तो 3 तो आप लोगों को इनमें से दे देंगे और एक कुछ और नाम दे दिया जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना इस चीज का, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को याद रहेगा, लेकिन जब एग्जाम टाइम में बैठोगे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ। तो थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आप लोग को कि निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान के विद्वान नहीं थे, और ऑप्शन में डाल दिया आप लोग की चंद्रवरदाई, जो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप और मुहूर्त नेंसी। अब क्वेश्चन यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन नहीं है, मुहूर्त नेंसी, ठीक है। चलो तो एक बार इसको उतारो, फिर इसके आगे की बात में करता हूं आप लोग उतारने के बाद। तो उतार लिया आपने, ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं इसको। तो ये बात है आप लोगों की पृथ्वीराज चौहान की। अब पृथ्वीराज चौहान की कुछ बातें और आती है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो महोबा का युद्ध था वो लड़ा था। महोबा के युद्ध के अंदर महोबा का एक शासक था, महोबा जो जगह पड़ती है दोस्तों वो पड़ती है आप लोगों की यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या करता है कि वहां पे जो शासक था उसका नाम था परमर्दी देव चंदेल, और परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल, और आला उदल भी बहुत
मतलब पराक्रमी शासक थे, मतलब सेनापति थे, विश्वसनीय थे और अपने राज्य के लिए और अपने जो राजा थे उसके लिए मतलब जान देने के लिए तत्पर रहते थे। इतने देशभक्त या स्वामी भक्त उनको बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे थे आला और उदल, और लोगों की जो अपने राज्य के जो उनके सैनिक थे उन सैनिकों के बारे में भी बहुत सोचते थे और उनके हितों में हमेशा काम करते थे। ठीक है, तो बात करते हैं महोबा के युद्ध के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? महोबा के युद्ध के बारे में। महोबा का युद्ध ठीक है। महोबा का जो दोस्तों हुआ था वो 1182 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1182 ईस्वी के अंदर हुआ था। क्वेश्चन आ जाए कि महोबा का युद्ध कब हुआ था पहला? 1182 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान। तो यहां पर लिख देता हूं मैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। और इधर लिख देता हूं मैं आप लोग का कि महोबा का जो शासक था उसका नाम था परमर्दी देव चंदेल, ठीक है। कौन था? परमर्दी देव चंदेल। उस परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे। क्या थे इसके? दो सेनापति थे। एक का नाम आता है आप लोगों का आला और एक का नाम आता है उदल। इनके लिए गीत भी चलता है आप लोगों के कि जब तक आला और उदल पड़े हैं तुम्हें कौन पड़ी परवाह, मतलब जब तक आला और उदल है तुम्हारे को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम लोग जिंदा है। और अपने राज्यों को लेकर बहुत ज्यादा स्वामी भक्त थे। तब जो महोबा का युद्ध हुआ था, इस पृथ्वीराज चौहान ने इन पे आक्रमण कर दिया और इस युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते आला और उदल की क्या हो गई यहाँ पे? ये वीर गति को प्राप्त हो गए। कहा क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। आला और उदल क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये था महोबा का युद्ध। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए था कि 1182 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और जो महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। क्वेश्चन आ जाए बेटा आप लोग से कि महोबा कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। क्लियर है बात आप लोग को? अब बात करते हैं हम लोग एक प्रेम लीला की। जो प्रेम रस आता है बहुत ही फेमस प्रेम रस है, ठीक है, उस प्रेम रस की हम लोग वार्तालाप करते हैं। देखो दोस्तों, यहां था अजमेर और अजमेर का शासक आप लोग जानते हो कौन है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान का भी फोटो देखना, गूगल पे डालोगे जब उनकी फोटो नजर आएगी आप लोग को, ऐसे सीना ताने हुए मूंछ ये बड़े बड़े यू करके ताव देकर रखते थे, ठीक है। तो एकदम स्मार्ट बॉय थे और ज्यादा उम्र भी नहीं थी इनकी, गरम खून था। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान और यहां पे कन्नौज था। कन्नौज क्या था? कन्नौज। कन्नौज का शासक था जयचंद गहड़वाल। कौन था? जयचंद गहड़वाल यहां का क्या था? शासक था। इस जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। ये लो साहब, ये संयोगिता आगे बात। तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। गर्मियों की छुट्टियों के अंदर ये सब बच्चों का मन होता है कि हम नाना के घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो ननिहाल था वो था दिल्ली में। कहां था? दिल्ली के अंदर। तो इधर से पृथ्वीराज चौहान भी कहां चला गया? दिल्ली। और जो संयोगिता थी ये भी कहां आ गई? दिल्ली। अब शाम का टाइम था, शाम गर्मियों का टाइम, तो शाम के अंदर थोड़ी ठंड पड़ती है, तो छत के ऊपर टहल रहे थे। टहलते दोनों की एक दूसरे की क्या मिल गई? नजरें मिल गई। अब नजरें मिल गई तो दोनों ही आंखों आंखों में क्या कर दिए? प्यार का इजहार कर दिए। इधर से पृथ्वीराज चौहान पतंग उड़ाकर संयोगिता के पास बैठा, ठप्पा पाता एल, और ठप्पा पाकर बोलता है कि इस पे अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो इस पतंग की छुट्टी ले देना। तो संयोगिता ने भी हामड़ भर दी, ऐसे करके उसे छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के बाद में पृथ्वीराज चौहान समझ गया कि अब तो मेरी मामला सेट है, बात पट गई है। अब संयोगिता से नंबर वंबर ले लिए, चिटिंग कर ली, रात को फोन पान करते थे, ऊहा करते रहते थे सारे दिन भर। तो इधर से एक दिन रात को संयोगिता बात कर रही थी तो बाप ने सुन लिया इसके जयचंद ने कि रात को 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे घर में सही 9 बजे मेरी छुरी किससे फोन पे चिपक रही है। तो इसको जो कमरा खुल के देखा तो संयोगिता ऊहा कर रही थी, आपने खाना खा लिया, आपने पानी पी लिया, तो
इधर पत्थर चौड़े में हाथ खा लिया पानी में पी लिया। तो ये बात किसने सुनी? जयचंद गढ़वाल ने सुनी। अब जयचंद गढ़वाल की बात शोभा नहीं दी, क्यों? क्योंकि जयचंद गढ़वाल पहले से ही पृथ्वीराज चौहान से क्या करता था, चीरता था, क्योंकि इनकी पहले भी अल्पकाल की बहुत अनबन हो चुकी थी। तो इसने क्या किया कि जयचंद गढ़वाल ने संयुक्ता को दिल्ली से वापस कहां लेकर आ गया, कन्नौज लेकर आ गया। और कन्नौज लेकर आ गया तो ये बात पृथ्वीराज चौहान ने देखी, यार कन्नौज गई अब अकेला अकेला रह गया, तो फिर कन्नौज लाकर इसको क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में बंद होकर यहाँ पे संयोगिता गाना गाए कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सिला भी प्यार का ऐसा क्या सिला दिया जो लुट गए। तो कमरे में बंद होकर रोती रही है। अब इधर से जयचंद गढ़वाल ने क्या किया, कन्नौज के अंदर जो स्वयंवर रचा दिया, किसका स्वयंवर बनाया, संयोगिता का स्वयंवर। अब संयोगिता यहाँ मतलब यहाँ पे संयोगिता को लेकर आई जगह पे, तो यहाँ पे जब जयचंद गढ़वाल बैठा हुआ था तो यहाँ पे बैठे थे मंत्री वगैरह, जो राजा राजकुमार वगैरह, उन्होंने जयचंद गढ़वाल ने क्या किया, जितने भी राजा राजकुमार थे उन सबको इन्वाइट किया कि आओ मेरी बेटी का स्वयंवर है वो इसमें पार्टिसिपेट करो, आप में से जो सक्षम होगा जो काबिल होगा उसको मेरी पुत्री संयोगिता चुन लेगी अपना वर। तो संयोगिता को यहाँ मतलब यहाँ पे बिठा दिया सबको। अब पृथ्वीराज चौहान को इन्विटेशन नहीं दिया गया। अब पृथ्वीराज चौहान बुरा मान गए। अब पृथ्वीराज जब चौहान बुरा मान गए, यार सर मुझे तो बुलाया नहीं, अब मुझे बुलाया नहीं तो गलत बात है। और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक मूर्ति बना दी, जहां पे चप्पल जूते खोलते हैं उस जगह मूर्ति बना दी, और मूर्ति बनाकर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जो मूर्ति बनाकर उसको खड़ा कर दिया हाथ जोड़कर, बोले हाँ अब इसकी मानना यही है इसको ऐसा ही खड़ा करूंगा। सामने से तो कुछ कर नहीं सकता था पृथ्वीराज चौहान का, तो पीछे से क्या कर दिया कि इसकी मूर्ति बनाकर हाथ जोड़ते हुए और जहां पे चप्पल जूते खोलते थे सारे राजा राजकुमार उस जगह पे इसको खड़ा कर दिया प्रवेश द्वार के ऊपर। अब ये बात किसको पता चली, पृथ्वीराज चौहान को, कि यार मेरी मूर्ति ही बना दी, दूसरी मेरी संयोगिता भी परेशान हो रही, कमरे में अकेले थी पड़े पड़े रो रही है ओंधे पड़े पड़े। तो इधर से संयोगिता के चक्कर में ये क्या करता है, कन्नौज के अंदर मतलब पृथ्वीराज चौहान कन्नौज आ जाता है। उसी समय पे इसका जो दोस्त होता है चंद्र बरदाई, कौन, चंद्र बरदाई, ये चंद्र बरदाई बोलता है पृथ्वीराज चौहान से, देख पृथ्वीराज तू उधर मत जा, वो कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल आम आदमी नहीं है, उस समय जयचंद गढ़वाल की ताकत थी बहुत मतलब पराक्रमी था ये भी, तो बोलता है बल्कि उधर मत जा, लेकिन नहीं पृथ्वीराज चौहान तू नहीं चला, इश्क का भूत जल्दी थोड़ी उतरता है कि मार दूंगा काट दूंगा फान दूंगा कुछ भी हो जाएगा, लेकिन संयोगिता को लेके आऊंगा। इश्क अंधा होता है, एक कानून और एक इश्क, ये दो ही चीज तो अंधी होती है। तो ये क्या किया, चला गया और जाकर क्या हुआ, संयोगिता को यहाँ पे जा मतलब संयोगिता ने उससे पहले क्या किया था, यहाँ पे जब भूमि घूमे किसी भी राजा के गले में माला नहीं डाली, और जो ये मूर्ति थी इस मूर्ति के ऊपर माला पहना, सारे राजा राजकुमार जो आए हुए थे सारे तरह क्रोधित हो गए, और जयचंद गढ़वाल से बोलते अरे जयचंद गढ़वाल तूने हमारे को बुलाया क्यों था, अगर तेरी बेटी को चुनना है इसी मूर्ति पर, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को चुनना था तो तूने हमारे को बुलाया क्यों। तो ये बात सबने अपना अपमान समझा इस चीज को, और उधर से पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे आया और आकर इस जगह से क्या कर दिया, इस संयोगिता को उठाकर कहाँ ले गया, अजमेर ले गया, कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के घर से उठा लाया इसको, ठीक है। तो ये थी बात आप लोगों के आज पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग जो आप लोगों के तराइन का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी जब यहां पर आया था तराइन का युद्ध हुआ था उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो एक बार इसको आप लोग लिख लो हल्का सा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें, और उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से हम आप लोगों को राजस्थान की कंप्लीट जीके करवाएंगे, और इसके अलावा अगर आप लोगों ने को वीडियो पसंद आया अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। कंप्लीट राजस्थान जीके होने वाली है, यही इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के 12th क्लास की बायो मैथ फिजिक्स और जो ज्योग्राफी क्लासेस चल रही है, 10th क्लास की किस क्लासेस चल रही है, ठीक है। थैंक यू, राम राम साहब।